वेट गेन से काफी सारी समस्याएं हो सकती है, जैसे इनफर्टिलिटी हो सकती है, डायबिटीज, ये सारी जो बीमारियां हैं ये ओवरवेट से या ओबीस होने से जुड़ी हुई हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप एक्सरसाइज करें, नियमित एक्सरसाइज करें, ताकि ओवरवेट ना हो, एजिलिटी आप में जो फुर्ती है वो रहे। और इन सारी समस्याओं का हल बस एक ही व्यक्ति के पास है और वो है हमारी फिटनेस एक्सपर्ट। तो चलते हैं उनके पास। नमस्कार, मैं अनन्या चौधरी हूँ। मैं पिछले 8 सालों से योगा कर रही हूँ और योगा ने मेरे शरीर को ही नहीं पर पूरी मेरी जिंदगी को ही बदल दी है। आइए मेरे साथ कुछ योगा के आसन करिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। पता है शांतनु, आजकल की मशीनी जिंदगी में फिजिकल वर्कआउट बहुत ही कम हो गया है, इसलिए रोजाना एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है। अपने लेफ्ट लेग को मैट के ऊपर सीधा रखिए और राइट लेग को पीछे की तरफ ले आइए। नीज को बिल्कुल बेंड ना करिएगा। अब दोनों हाथों को ऊपर रखिए। अब स्ट्रेच करते हुए सांस छोड़ते हुए आप आगे की तरफ अपने पैरों की तरफ झुक जाइए। फिर धीरे धीरे हाथों को ऊपर की तरफ ले जाइए सांस लेते हुए और छोड़ते हुए हाथों को नीचे रखिए। तो ये था जानू शीर्षासन। ऐसे ही छोटे छोटे आसन करके आप इस मशीनी जिंदगी में एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। सही पोषण और सही एक्सरसाइज आपको दे सकती है इनफर्टिलिटी से छुटकारा। बिल्कुल, और ऐसी एक मेरी और एक पौष्टिक रेसिपी जो है टैंगी चिकन इन पे सॉस। अब हमें बनानी है स्पेस की प्यूरे, तो वो मिक्सी का कंटेनर। अब ये खट्टी मीठी रेसिपी है, जो मीठापन है वो पैर से आएगा क्योंकि नेचुरली स्वीट रहता है। और खट्टेपन के लिए यहाँ मैंने रखी है हरे टमाटर की प्यूरे, यानी कि ग्रीन टमाटो प्यूरे इसमें। और अब डालेंगे इसमें ये पैर। ध्यान रखिए काटते वक्त आपको बीज नहीं डालना है, अगर बीज पीसेंगे मिक्सी में तो कड़वा हो सकता है। इसमें फाइबर भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, एक मीडियम साइज पैर में कम से कम 5 ग्राम फाइबर तो रहता ही रहता है। और हमारी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है? 25 ग्राम। तो ये पैर अब इसमें। मुझे सिखाया गया कि जब हम चिकन ग्रेवी बनाते हैं तो उसका बेस यूजुअली टोमेटो प्यूरी होता है या तो अनियंस होता है। ये पहली बार मैं देख रही हूँ कि आप पैर को यूज कर रहे हैं एज अ ग्रेवी फॉर चिकन राइस। इसलिए जब तक अंजुम इस पैर की प्यूरी को टमाटर प्यूरी के साथ पीस रही है, ये चिकन ब्रेस्ट है मेरे पास और ये जिंजर है मेरे पास, तो जिंजर की जूलियन और चिकन की डाइसेस काटेंगे और आपकी फेवरेट कैप्सिकम की भी डाइसेस काटेंगे। कब हो गया होगा? ठीक है, हाँ अब ये तो हो गया है, लेकिन अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा काजू और ये मेरे पास थोड़े से पंपकिन सीड्स, ये भी इसमें डाल देते हैं। अब फिर से पीसिए। चलिए, तब तक ये पैन जो है ये गर्म हो चुका है। हो गया? अच्छा, ये प्यूरे हो गया है। तो चलिए, ये बहुत अच्छे से पिस गया है और ये कुछ टैंगी, थोड़ी सी खट्टी, थोड़ी सी मीठी, ये सॉस मेरे पास अब तैयार है जो कि पकी नहीं है अभी तक। सबसे पहले थोड़ा सा तेल और इस तेल में डालेंगे सबसे पहले तो ये जिंजर जूलियंस, यानी जो अदरक हमने जूलियंस में काटा था ये। चलिए, ये जिंजर जूलियन जो है ये हो गई सौते और थोड़ा सा स्पाइसीनेस जो है वो इन चिली फ्लेक्स से, ये भी इसमें। फिर से एक बार इसे सौते कर लेते हैं और थोड़े से जो पम्पकिन सीड्स थे उन्हें हमने पीस लिया था, लेकिन एक टेक्सचर आना चाहिए मुंह में। थोड़े से पम्पकिन सीड्स जब हम इसमें भून भी लेंगे। आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो या आप इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम से बचना चाहते हो, दोनों केस में आप स्मोकिंग से परहेज करिए। स्मोकिंग की वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो जाते हैं। अच्छा जी, वे चिकन इसमें और अब ये कैप्सिकम भी इसमें, तो ये खूब सारी कैप्सिकम। बढ़िया दूध पियो केसर डाल के और खूब सारे बादाम पिस्ता डाल के, ये जरूरी है। चलिए, ये चिकन जो है ये अब टॉस हो गई है। थोड़ा सा वेजिटेबल स्टॉक मेरे पास, ये इसमें, और इसके साथ साथ जो बढ़िया प्यूरी अंजुम ने बनाई थी टमाटर से और
पेस्ट डाल के जो कि खट्टी मीठी है ये अब इसमें डाल देते हैं। और इसमें पम्पकिन सीड्स है जो वापस हमें फर्टिलिटी के लिए हेल्प करता है। बिल्कुल, तो एक टेस्टी खट्टी मीठी हेल्दी रेसिपी है ये जी। और ये सारी प्यूरे डालने के बाद थोड़ी सी थिकनिंग, थोड़ी सी रिचनेस ये बढ़ानी है हमें। तो ये मेरे पास थोड़ी सी आमंड प्यूरी ये भी इसमें जी डाल दी। अब थोड़ा सा नमक और फ्रेशली क्रश ब्लैक पेपर यानी कि कुटी हुई काली मिर्च। और चिकन हमने काफी देर टॉस करा था, मैं चाहता हूँ कि जब पैर इसमें पड़े यानी कि पैर की प्यूरी का मिक्सचर जो हमने इसमें डाला है जी। बहुत ज्यादा ना पके क्योंकि ये फिर फाइबर को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसकी जो मिठास है इस सॉस की ये चली जाएगी। विटामिन सी भी डाइट में बहुत ज्यादा जरूरत होता है अगर आप अपनी फर्टिलिटी मेंटेन करना चाहते हैं। विटामिन सी आपको बेल पेपर्स, कैप्सिकम से मिल सकता है, आमले से मिल सकता है, पेरू से मिल सकता है, पेरू यानी अमरूद से मिल सकता है, अमरूद से मिल सकता है। तो आप इंश्योर करिए कि आपके डाइट में ऐसी सारी चीजें हो जो आपकी फर्टिलिटी को मेंटेन करें। चलिए चिकन तो पक गया है और इस सॉस भी अब सिमर होना शुरू हो गई है। ज्यादा ना पकाते हुए इसे बंद कर देते हैं और थोड़ा सा धनिया। और हम नॉर्मली जब घर में बनाते हैं तो कभी भी नहीं सोचते कि फलों का इस्तेमाल हो सकता है करी बनाने में या एक ग्रेवी बनाने में। बस हमारे लिए तो दो ही तीन चीजें हैं जैसे टमाटर हो गया, प्याज हो गया। लेकिन नहीं, अगर आप थोड़ी सी सोच लगाएंगे, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखेंगे तो आप अपने परिवार के लिए नई नई डिशेस, नई नई हेल्दी रेसिपीज, टेस्टी रेसिपीज भी बना सकते हैं। चलिए तो ये डिश रेडी, इसे आप गर्मा गर्म परोसते हैं जी। ये बढ़िया सा टैंगी चिकन इन पेयर सॉस मेरे पास जी। ये यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कलरफुल है और तेल इसमें बहुत कम लगता है। तो चलिए ये टैंगी चिकन इन पेयर सॉस तो बिल्कुल तैयार है। लेकिन लोगों को तो पता नहीं कि पेयर से भी सॉस बनती है, तो आपने क्या करना है, एक छोटी सी गार्निश पेयर की। चलिए ये पेयर का एक स्लाइस तो ये पेयर के स्लाइसेस या तो आप इसके जूलियन काट लीजिए। तो चलिए ये पेयर के जूलियन ताकि जब लोग इसे खाएं, आप मेहमानों के लिए बनाएं, तो पूछे तो सही कि भाई ये पैर यानी कि फ्रूट क्या कर रहा है चिकन की करी में। और आप पूरे घर से कहें ये आपने कुछ अलग बनाई है और देखी गा है तो इसी शो पे। टैंगी चिकन एंड पेयर सॉस बनाने के लिए एक जार में ले हरे टमाटर की प्यूरी, कटे हुए पेयर, काजू, मगज के दाने और इसे ब्लेंड कर लें। अब एक पैन में तेल गरम करें, इसमें डालें अदरक, चिली फ्लेक्स, मगज के दाने, चिकन और इसे सॉटे कर लें। फिर इसमें डालें लाल और पीली शिमला मिर्च, वेजिटेबल स्टॉक, तैयार किया हुआ पेयर सॉस, बादाम पेस्ट, नमक, कुटी हुई काली मिर्च, हरा धनिया और इसे पका लें। तैयार टैंगी चिकन एंड पेयर सॉस को पेयर और हरे धनिया से गार्निश करें और सर्व करें। तो आशा करते हैं आप ये सारी रेसिपीज घर पे जरूर ट्राई करेंगे। चाहे आपको कोई समस्या हो या ना हो, ये रेसिपी सभी के लिए फायदेमंद है। बिल्कुल, और ऐसी ढेरों रेसिपीज आपका हमेशा की तरह इंतजार कर रही है foodfood.com पर। चाहे तो आप लॉग ऑन कर सकते हैं फेसबुक पर @facebook.com/foodfood। अगर आप हमसे सीधा जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबर पे आप SMS भी कर सकते हैं। तो चलिए, चाहे आपको शांतनु की रेसिपीज देखनी हो, अंजुम की टिप्स सुननी हो या थोड़ी सी एक्सरसाइज सीखनी हो, देखिए जरूर हमारा शो हेल्थ मांगे मोर। Thank you.